हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाई स्टोरी सर्कल। और आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। और दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके 16 से लेकर 25 तक हर एक क्वेश्चन दोस्तों कितने मार्क्स का होता है, आपका 2 मार्क्स का होता है। तो इस वीडियो में जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये सारे दोस्तों वो क्वेश्चन हैं आपके जो आपके प्रीवियस में आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके होने वाले हैं। जैसे कि हमारी अदर प्लेलिस्ट भी दोस्तों चल रही है, उसके अंदर हम हर एक चैप्टर्स के, यानी चैप्टर 1 से लेकर अब तक चैप्टर 20 तक आपको करा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट की हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 17, 18, 19, 16, यानी जो पिछले 4-5 सालों में आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो 2 मार्क्स में आ चुके हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -2 एंड द 11th टर्म इज 18, फाइंड इट्स 15 टर्म्स। यानी दोस्तों, ये आपके पास एक समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कितनी आपके पास -2 है, और उस AP का 11वां पद यानी 11th टर्म्स कितनी आपके पास में 18 है। तो आपको उस AP का 15वां पद बताना होगा, यानी 15 टर्म्स आपको बतानी है। तो दोस्तों, आप जानते हैं अगर हमें AP के अंदर कोई सी भी टर्म्स आपको निकालनी हो तो आपको पहले केवल क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और आपको डी पता होना चाहिए। अगर आपको ये 2 चीज पता है तो आप AP की कोई सी भी टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ए, तो आपको दोस्तों पता है, कैसे पता है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म्स होती है आपकी, यानी प्रथम पद ही क्या कहलाता है हमारा ए, क्योंकि आप जानते हैं A1 यानी फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख लेते हैं दोस्तों, आपका ए, तो यानी ए ही हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। तो ए तो आपको यहाँ पता है कितना है, -2 है। लेकिन दोस्तों, आपको डी नहीं पता, लेकिन देखिए आपको पता है कि इस AP का 11वां पद यानी 11 टर्म्स कितनी आपके पास में 18 है, और आपको 15 टर्म्स बतानी है। तो 11 टर्म्स को मैं ए और डी की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे कि अगर आपके पास मान लो AP की 4 टर्म्स है, तो आप इसको ए और डी की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a+k 3d लिख सकते हैं। यानी जो सी टर्म्स होती है उससे डी आपका एक क्या होता है, कम। वो आप क्यों कम लेते हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, n बराबर a+(n-1)(d). तो जितने नंबर होते हैं उसमें से हम 1 नंबर क्या कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस। तो इसलिए एक संख्या आपकी क्या आती है यहाँ पर, डी के साथ कम आती है। यानी आपको AP की जो सी भी टर्म्स निकालनी हो, अगर उस समय ए और डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपके पास में जैसे यहाँ है 11 टर्म्स है दोस्तों, तो 11 टर्म्स को आप ए और डी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a+(11)-1 के, तो कितने बचेंगे, 10d। ऐसे आपके पास मान लीजिए 20 टर्म्स है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, a+(19d)। तो यानी जो सी टर्म्स दोस्तों आपको निकालनी हो, अगर उसे ए और डी की फॉर्म में आपको लिखना हो, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास a20 है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, a+(19d)। अब जैसे मान लो आपके पास यहाँ देखिए क्या है, AP की 11 टर्म्स कितनी है, 18 है, तो a11 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, a+(10d) लिख सकते हैं। अब देखिए a11 यानी AP का 11वां पद कितना है आपके पास में, 18, तो आपने यहाँ कितना लिखा, 18 इक्वल टू a, और a की वैल्यू दोस्तों कितनी थी आपके पास में, -2, फिर +10d, 18 दोस्तों आपका सेम, -2 का को आप इधर लाएंगे तो +2 = 10d, 18 और 2 कितना होते हैं, 20 इक्वल टू 10d। आपको d की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो देखिए 10 तो इंटू में नीचे कहेगा आपका डिवाइड में, 10 से आप 20 को डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2। अब देखिए आपको a भी पता है दोस्तों यहाँ पर, और आपको d भी पता है। अगर आपको a पता है d पता है, तो AP की कोई सी भी टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको निकालनी थी AP की 15 टर्म्स, यानी AP का 15वां पद बताना है, तो आप उसको a और d की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर है a+(14d)। तो देखिए a की वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी थी, -2 + 14 × d, और d की वैल्यू दोस्तों कितनी आपकी, 2। तो -2 आपका सेम, +14 × 2 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 28। 28 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, 28 में से 2 गए तो कितने बचे, 26। यानी उस AP का जो 15वां पद होगा वो आपके पास कितना होगा दोस्तों, 26 होगा। तो आई होप क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कितना आसान था, एक AP थी आपके पास में, उसका आपको फर्स्ट टर्म पता था और उसका 11 टर्म्स पता थी, यानी उसका 11वां पद आपको पता था, आपको क्या निकालना था, उसका 15वां पद।
तो ए आपको पता था, 11 टर्म्स को हमने एओडी की फॉर्म में क्या लिखा, ए प्लस के 10 डी, 11 टर्म्स आपको पता थी कितनी थी 18, इक्वल आपका सेम लिखा, फिर हमने ए की वैल्यू कितनी थी -2 प्लस के 10 डी, इसको जल्द लेके तो कितना हो गया प्लस के 2 हो गए, दोनों को ऐड कर 20, 10 इंटू में नीचे खाएंगे डिवाइड में 10, इसको डिवाइड करके आंसर कितना है आपका 2। अब आपको दोस्तों ए पता है डी पता है तो आप तो एपी की कोई से भी टर्म्स निकाल सकते हो, जो उनसे भी टर्म्स आपसे कही जाएगी आप आसानी से उसको निकाल सकते हो, लेकिन आपको निकालनी है एपी की 15 टर्म्स यानी 15 पद बताना है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस के 14 डी। याद क्या रखना है दोस्तों, जो सा ही पद निकालना हो हमेशा उससे एक डी आपको यहाँ कम लिया जाएगा क्योंकि माइनस हो जाता है आपका, ठीक है। फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ बताया था यहाँ पर एक संख्या क्या होती है हमारी, ये माइनस, तो ए 15 को आप लिख सकते हैं ए प्लस 14 डी, ए की वैल्यू पता है -2 प्लस 14 डी की वैल्यू कितनी है 2, 14 की 2 से इंटू करेंगे 28, माइनस करेंगे तो आंसर कितना है 26, यानी उस एपी का 15 पद दोस्तों कितना होगा 26 होगा आपका। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री, यानी दोस्तों आपके पास जैसा आप यहां देख पा रहे हैं ट्रायंगल है ए बी और सी, इस एबीसी ट्रायंगल में एंगल बी क्या आपका 90 डिग्री का है, एंगल बी क्या आपका यहां पर 90। इफ ए बी बराबर बी सी, यानी दोस्तों ये ए बी किसके इक्वल है आपका, तो आपका आंसर है बी सी के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक सी एंड कोट सी। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन है कि हमारे पास जो एंगल बी है वो कितना है आपके पास में दोस्तों 90 है, एंगल बी कितना है आपके पास में ये 90 है, और आपको ये पता है ये जो ए बी है ये किसके इक्वल है आपकी बी सी के, क्वेश्चन में आपको गिवन था करेक्ट इतना। अब इसके बाद देखिए कोसेक सी की आपको वैल्यू बतानी है दोस्तों और एक बतानी है कोट सी की, अब आपको यहाँ ट्रायंगल के अंदर कोई वैल्यू भी पता नहीं है तो आप इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, चलिए तो देखिए इनकी वैल्यू पहले हम कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं एक राइट एंगल है, ये क्या है आपका राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, कैसे पता क्योंकि एंगल कैसे बन रहा है दोस्तों आपका 90, तो राइट एंगल आपने ए बी सी लिया, इसके अंदर हमने थ्योरम लगा दी पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि ये आप जानते हैं अगर एक राइट एंगल है तो ये हो गया दोस्तों आपका हाइपोटेनियस, इसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस, हिंदी में बात करें तो ये हो गया एक तरीके से आपका लंब, और ये हो गया दोस्तों आपका आधार, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक। तो थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर यानी इस साइड का स्क्वायर, तो ये साइड कितनी है आपके पास ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब कितना आपके पास ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार, तो ये कितना है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम कि इस साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है इक्वल होता है। अब देखिए दोस्तों ए सी तो पता नहीं आपको, तो ए सी आपने ऐसे लिख लिया, ए बी, ए बी स्क्वायर आपका सेम प्लस ये बी सी है दोस्तों ध्यान से देखना आपका, और बी सी यहाँ किसके इक्वल है आपका ए बी के, तो हमने यहाँ लिखा कि ए बी किसके इक्वल है बी सी के, तो इस वाले बी सी को दोस्तों आपने क्या लिख लिया ए बी लिख लिया, क्योंकि बी सी किसके इक्वल है आपका ए बी के, ए सी स्क्वायर आपका सेम बराबर ये भी ए बी स्क्वायर है ये भी ए बी स्क्वायर है, तो एक और एक दोस्तों कितने हो जाएंगे, तो आंसर आपका 2 हो जाएंगे यानी 2ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आने वाला है रूट, तो स्क्वायर से दोस्तों इसका रूट कैंसिल यानी इस वाले स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, लेकिन 2 के ऊपर तो कोई स्क्वायर नहीं है तो रूट 2 तो ऐसे आएगा, और क्या बचा साथ में आपका ए बी, ए बी के स्क्वायर से उसका रूट आपका कैंसिल हो गया, तो यानी आप कह सकते हैं कि सर ए सी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी √2ab होगी। अब ध्यान से देखिए आपको दोस्तों वैल्यू किसकी बतानी थी, तो आपका आंसर है सर एक तो हमें कोसेक सी की वैल्यू निकालनी थी, किसकी निकालनी थी कोसेक सी की वैल्यू निकालनी थी, तो कोसेक सी को आप वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो कर्ण बटे में लंब, तो इस फिगर के अंदर आप देखिए कर्ण, कर्ण आपका ये है, इसका नाम क्या है आपका ए सी, तो आपने ए सी लिखा परपेंडिकुलर यानी लंब, ये परपेंडिकुलर था आपका ये वाला, इसके वैल्यू यहाँ कितना, इसका नाम क्या था दोस्तों ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी लिख लिया आपने। अब देखिए ए सी किसके इक्वल आपका यहाँ पर √2ab, तो इस ए सी को आपने कितना लिख लिया √2ab, आपने यहाँ लिखवाया भी था मैंने कि ए सी यहाँ किसके इक्वल आपका √2ab के इक्वल है अपॉन में दोस्तों आपका ए बी, ए बी से आपका ए बी कैंसिल हो गया, तो कोसेक सी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई आपकी √2 आ गई। तो देखिए कोसेक सी की वैल्यू आपने निकाल ली, अब दोस्तों किसकी वैल्यू निकालनी होगी आपको कोट सी की, तो देखिए कोट सी को आप क्या लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार अपॉन में लंब, तो देखिए बेस दोस्तों बेस ये है आपका आधार, ये कितना है आपके पास में बी सी, और लंब यानी परपेंडिकुलर कितना आपके पास में ए बी,
आप जानते हैं बी सी दोस्तों किसके इक्वल आपका ए बी के, तो इस बी सी को, इस वाले बी सी को आपने यहाँ कितना लिख लिया ए बी, क्योंकि बी सी किसके इक्वल आपका ए बी के, क्वेश्चन में आपको पहले से यहाँ पर गिवन है। तो बी सी को आपने ए बी लिखा अपॉन में ए बी, दोस्तों ए बी से हमने ए बी को डिवाइड किया तो आंसर कितना बचा वन। तो देखिए कोट सी की वैल्यू कितनी आसानी से हमने निकाल दी, कितनी आई आपके पास वन। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है प्रूफ डेट, प्रूफ डेट टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है कि ये चीज इसके क्या है दोस्तों, इक्वल है। चलिए तो देखिए हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों ये आप जानते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में टेन थीटा प्लस में कोट थीटा। अब देखिए हमें इससे ये आंसर लाना है, तो ये आंसर दोस्तों कैसे आएगा, तो इसका एक रूल है अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप कोई सॉल्व कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रूफ कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास टेन कोट आते हैं तो कुछ भी आए आपके पास आप उसे कन्वर्ट करेंगे साइन और कोस की फॉर्म में। जैसे कि ये टेन है आपका, तो रूल यही है दोस्तों सॉल्व करने का हमारा, कि जो टेन है उसको आप कन्वर्ट करेंगे साइन कोस की फॉर्म में और कोट को करेंगे साइन कोस की फॉर्म में से भी, यानी या तो साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या आपका कोस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए दोस्तों ये टेन थीटा, तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो इस टेन थीटा को आपने क्या लिख लिया यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, फिर ये वाला प्लस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है इसका एक फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखिए ये एक तरीके से फ्रैक्शन वाली फॉर्म आ गई दोस्तों, तो हमने इसकी करा दी क्रॉस इंटू, यानी साइन की इंटू आप साइन से करेंगे इस तरीके से, साइन थीटा की इंटू साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा की कोस थीटा से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों के आपस में करेंगे तो साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला दोस्तों ये भी था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है वन के, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होगा, तो आंसर आपका वन के इक्वल होगा। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों वन। अब इसके अपॉन में क्या बचा आपका साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, तो आप देख रहे हैं आपको ये आंसर आना था कि वन अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों किसके इक्वल आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चैनल बनना ही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर विद सेंट्रल एंगल 35 डिग्री। यानी दोस्तों आपके पास एक त्रिज्याखंड यानी एक सेक्टर है और इसकी जो रेडियस है आपके पास में वो रेडियस कितनी है हमारे पास में, तो हमारा आंसर है कितनी है 18 सेंटीमीटर है जो आपके यहाँ लिखी हुई है, और जो सेंटर पर जो एंगल बनता है आपका वो कितने डिग्री का आपका 35। अब आपको इसका क्या निकालना, ये जो इतना पार्ट है दोस्तों आपका ये वाला, इसका हमें एरिया निकालना इस सेक्टर का यानी त्रिज्याखंड का। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है आपका, तो आंसर है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा यानी एंगल कितने डिग्री का बनता है आपका 35, अपॉन में थीटा कितना है दोस्तों 360, इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 आर का स्क्वायर। तो जिसका स्क्वायर होता है उसको दो बार लिख सकते हैं आप, तो आर कितना है दोस्तों आपके पास 18 × 18। अब इनको यहाँ पर देखिए डिवाइड किया हमने, किससे डिवाइड किया दोस्तों आपका, तो आंसर है आपका हमने इसको 5 से डिवाइड किया है। देखिए 5 7 कितने होते हैं 35, 5 7 35 बचे यहाँ कितने हो गए 10, 5 2 10। ठीक है, तो आपके पास दोस्तों यहाँ कितना बचा 7/72 इंटू में 22/7 इंटू में 18 इंटू में 18। इस 7 से दोस्तों आपका ये वाला 7 कैंसिल, और देखिए 18 × 1 = 18, 18 × 4 = 72, तो यहाँ कितना बचा 1/4, तो हमने यहाँ 1/4 लिखा। फिर यहाँ कितना बचा देखिए आपके पास में 22 इंटू में 1 इंटू में 18, तो 22 है आपका इंटू में 1 और 18। फिर यहाँ इसको 2 से डिवाइड किया दोस्तों, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2। अब देखिए अगर आप 1 × 11 से करेंगे तो 11 आंसर आएगा दोस्तों आपका, और 2 का 2 आपका सेम, इंटू में 1 × 18 से करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 18। 2 से अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बचेगा 9, तो 11 × 9 इन दोनों के इंटू करेंगे दोस्तों आंसर कितना आएगा आपके पास में 99। यानी दोस्तों ये जो आपका सेक्टर है इतना, इसका जो एरिया होगा हमारा वो कितना होगा 99 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। द वेट इन केजी ऑफ 15 डॉग्स आर गिवन बिलो फाइंड द मीडियन वेट। यानी 15 कुत्ते हैं दोस्तों, उनका जो वजन है उनका जो भार है वो कितना है हमारे पास में यहाँ दिया हुआ है,
कि एक का 9 kg, एक का 26 है, एक का 10, 20, इस तरीके से यहाँ पे 15 कुत्तों का वजन लिखा हुआ है। अब आपको इनका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, यानी क्या निकालना है आपको इनका मीडियन। तो दोस्तों मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, सबसे पहले आप इनको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी इनको हमने अरेंज करेंगे असेंडिंग यानी आरोही क्रम। दोस्तों आरोही क्रम होते क्या है, आरोही क्रम कम से कहाँ चलते हैं आपके, ज़्यादा की तरफ, यानी जैसे कि स्टार्टिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, यानी सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी अरेंज में आपको लगाना है। जैसे कि प्रेयर होती है हमारी, तो उसमें सबसे आगे सबसे छोटे बच्चे लगाते हैं, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, इस तरीके से आपको इनको अरेंज करना है। तो इनके अंदर देखिए सबसे छोटी संख्या दोस्तों कितनी है, 9, फिर उसके बाद 10। अब देखिए जैसे कि ये भी 10 है आपका, ये भी 10, तो 10 आपका 2 times है दोस्तों, तो आपको 10 भी यहाँ पर 2 बार ही लिखना होगा, यानी जो संख्या जितनी बार है उसको आप उतनी बार ही लिखेंगे। लेकिन देखिए सबसे छोटी संख्या 9 है, फिर 10, फिर 12, 13, 14, 16, इस तरीके से आप इन सभी को अरेंज करेंगे। उसके बाद देखिए संख्या है कितनी टोटल आपकी, तो देखिए हमने इन संख्याओं काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखिए हम कहेंगे यहाँ पर जो नंबर है हमारे पास है, कितने नंबर है, 15 नंबर है। अब ये 15 नंबर है दोस्तों, ये विषम संख्या यानी ओड नंबर है, यानी ये आपके पास क्या, क्योंकि आप जानते हैं इसमें माध्यक का 2 फॉर्मूले होते हैं आपके, एक तो विषम संख्या का होता है दोस्तों आपका, एक होता है आपका सम संख्या का। तो सम संख्या वाला मैंने आपको आगे कराया हुआ है, वो आगे आएगा आपका, ठीक है ना। ये विषम संख्या वाला क्वेश्चन है आपका, तो एन की वैल्यू 15 है आपके पास में, तो यहाँ फॉर्मूला आपका अलग अप्लाई होगा। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, जब आपके पास संख्या ओड नंबर होते हैं ना, तो मीडियन का फॉर्मूला वहाँ अप्लाई होता है आपका, n+1/2 terms यानी ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए दोस्तों n की वैल्यू कितनी है, 15+1/2, दोनों को ऐड किया तो 16 यानी 16/2, 16 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया आपका, 8 यानी 8वां ऑब्जर्वेशन होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 8वें नंबर की जो संख्या होगी वही आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर, माध्यक यानी मीडियन कहलाएगा। तो देखिए पहला नंबर तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवा, आठवा। तो देखिए 8वें नंबर की जो संख्या वो कितनी आपके पास में, 19। तो हम कहेंगे 8 ऑब्जर्वेशन जो होगा यानी 8वें जो प्रेक्षण होगा हमारा वो कितना होगा, 19। इसलिए हम कहेंगे कि इन संख्याओं का जो माध्यक यानी जो मीडियन होगा वो आपके पास दोस्तों कितना होगा, 19 होगा। दोस्तों की वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 2, 4, 6, 8 आर नीडेड टू गेट सम 210। यानी दोस्तों ऐसे एक AP है, AP की स्टार्टिंग होती है 2, 4, 6, 8, तो इसमें कितनी संख्याओं को प्लस किया जाए जो आपका आंसर 210 आ जाए। तो हमें तो नहीं पता कितनी संख्याओं को प्लस करना, लेकिन ये पता है कि उनका सम कितना होगा, टोटल 210 होगा, लेकिन वो नंबर कितने होंगे आपको नहीं पता। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लो मेरे पास है, मैंने कुछ नंबर लिखे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब इनको सभी को चलो प्लस करते हैं, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 5, 15, यानी अगर हम 5 नंबर्स को प्लस करते हैं तो आंसर उनका सम कितना आता है हमारे पास में, तो आंसर हमारा कितना है, 15। अब ऐसी मैंने आपको एक AP दे दी, जैसे मैं अगर इस तरीके से लिख दूं 1, 2, 3 डेड 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 डेस, कि ऐसे कितनी संख्याओं को ऐसे प्लस किया जाए जो आपका आंसर कितना आ जाए, 15 आ जाए। तो यहाँ तो आपको पता है कि अगर हम 5 संख्याओं को प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 15। लेकिन जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 1, 2, 3 डैश डैश डाल दिया, फिर यानी पता नहीं कि 3 के बाद कौन सा नंबर आपका आने वाला है। लेकिन ये पता है कि जब उन सभी संख्याओं को आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है, यानी आपको एक AP पता है, AP क्या है, 2, 4, 6, 8। अब कितने नंबर आपको ज़रूरत है, कितने नंबर ऐसे आपको चाहिए जिनका सम कितना होना चाहिए, 210 होना चाहिए। तो अगर दोस्तों ये AP है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास में, A, और इनके जो बीच का डिफरेंस होता है, तो आप देखते हैं 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 ही, D निकालना है डिफरेंस, तो A2 - A1 कितना है दोस्तों, 4 - A1 कितना है, 2। 4 - 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2। तो यानी D की वैल्यू आपके पास दोस्तों कितनी आ चुकी है, 2। अब देखिए सम आपको पता है, यानी जब उन नंबर्स को आप प्लस करेंगे यानी सम करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 210। बस आपको नंबर बताने हैं। तो देखिए सम ऑफ निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है SN = n/2 (2a+) दोस्तों n-1 (D). तो सम आपको दोस्तों पहले से ही पता है यहाँ पर कितना है, 210 बराबर n, पता नहीं है तो n/2 आपका सेम ब्रैकेट 2 का 2a,
देखिए दोस्तों, यदि ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, टू, फिर प्लस ब्रैकेट सेम एन, एन तो पता नहीं है तो एन माइनस वन आपका सेम, ब्रैकेट क्लोज। और डी की वैल्यू आपके पास में कितनी है यहाँ पर, टू, फिर उसका ब्रैकेट बंद, 210 दोस्तों आपका सेम, टू यहाँ डिवाइड में तो बच जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, इक्वल टू एन, टू के इंटू टू से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, फोर, प्लस टू की एन इंटू इस ब्रैकेट में आप करेंगे तो टू के इंटू एन से करिए तो टू एन, माइनस टू के इंटू वन से करेंगे टू, ब्रैकेट क्लोज, 210 के इंटू आप करेंगे टू से तो आंसर कितना आएगा आपका, 420 इक्वल टू एन। अब देखिए दोस्तों, आपका 2n आपने ऐसे लिख लिया, प्लस के 4 है माइनस के 2 है, 4 में से 2 के तो कितने बचे, प्लस के 2 बचे आपके पास। अब ये जो n है ब्रैकेट के बाहर, इस n की हम पूरे ब्रैकेट से दोस्तों क्या करने वाले हैं, आपकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 420 आपका सेम इक्वल टू सेम n की इंटू अगर आप करते हैं 2n से तो आंसर कितना आएगा दोस्तों आपका, 2n स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस n की इंटू 2 से करेंगे तो दोस्तों आपका 2n। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, टू, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बन रही है, लेकिन इक्वल में तो जीरो होता है दोस्तों उसमें आपका, तो इस 420 को उठाकर आप इधर लेकर आएंगे तो यहाँ आपके पास पहले से कितना है, 2n स्क्वायर प्लस के 2n, लेकिन ये प्लस के 420 हैं और जैसे ही आपके ये नंबर इधर आएंगे तो बन जाएंगे आपके माइनस में, इक्वल में क्या बचा उधर अब आपका, जीरो। या तो आप इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ दोस्तों कि ये संख्या आपकी 2 से डिवाइड है, 2 से ये 2 हो सकता है डिवाइड, ये भी हो सकता है, 420 भी 2 से आपका डिवाइड हो सकता है। तो दोनों तरफ हमने किससे भाग किया दोस्तों, 2 से भाग किया तो 2 से आपका 2 कट गया, केवल क्या बचा n स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कट गया केवल कितना बचा n, माइनस 2 से इसको डिवाइड किया तो वापस कितना आ गया आपके पास, 210, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आंसर कितना आएगा आपका, 0 ही आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमने यहां करें इसके स्प्लिट मिडिल टर्म, यानी प्राइम एक फैक्टर किए इसके हमने, जिसे हम कहते हैं स्प्लिट मिडिल टर्म। अब वो फैक्टर दोस्तों होते कैसे हैं, जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है एन स्क्वायर, मैं यहाँ रफली आपको बता रहा हूँ कि आपके पास इक्वेशन लिखी हुई थी एन स्क्वायर प्लस एन माइनस के 210 इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों जो यहाँ नंबर होता है फर्स्ट, यहाँ कोई नंबर नहीं, आप कितना मान सकते हैं यहाँ पर, वन मान सकते हैं, ये क्या मान लिया आपने यहाँ पर, वन, तो वन की इंटू सबसे लास्ट वाले नंबर से आप कराएं, अगर वन की इंटू आप करते हैं 210 से, तो यानी इंटू करने के बाद जो आपका आंसर यहाँ दोस्तों आ रहा है वो कितना आएगा, 210 आएगा, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या देखेंगे कि लास्ट में साइन कौन सा आपका, तो आंसर है आपका साइन यहाँ पर माइनस का। और देखिए दोस्तों एन के पास कोई नंबर नहीं, तो यहाँ भी आप कितना मान सकते हैं, वन, तो माइनस करने के बाद आंसर कितना लाना है आपको, वन। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिसकी मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर कितना आ जाए आपका, 210 आ जाए, और माइनस करें तो आंसर कितना आ जाए आपका, 1। तो दोस्तों वो दो नंबर हैं आपके 15 और 14, यानी 14 और 15, चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए 4 की 5 से इंटू करेंगे, 4 5 जो 20, 2 आपका कैरी, 4 1 जा 4 और 2 आपके 6, इंटू 1 की 5 से करेंगे 5, 1 की 1 से करेंगे 1, दोनों को ऐड कर लेंगे अब आप 0, 6 और 5 11 को 1, 1 कैरी 1 और 1 कितना होते हैं 2। तो देखिए दोस्तों अगर हमने जैसे इंटू करें तो आंसर कितना आ गया आपका, 210, और अगर आप 15 में से माइनस करेंगे 14 तो आंसर दोस्तों कितना आएगा आपका, 1। तो देखिए दोनों ही बात सही होगी हमारी, इंटू करने के बाद आंसर 210 भी आता है, माइनस करने के बाद आंसर आपका 1 भी आता है। तो हमने क्या किया, एन स्क्वायर सेम प्लस यहाँ 1 होगा दोस्तों, तो इस 1 को आपने यहाँ कितना लिख लिया, 15 माइनस 14, साथ में आपका एन माइनस 210 बराबर 0, ये आपको सेम लिखना क्योंकि आप स्प्लिट मिडिल टर्म कर रहे हैं, तो जी संख्या है होगी आपकी 1, केवल हमें इसे सोल्व करना है। तो एन स्क्वायर आपका सेम प्लस इस 1 को आपने कितना लिखा, 15 माइनस 14, साथ में आपका एन माइनस 210 बराबर 0, एन स्क्वायर दोस्तों सेम प्लस सेम, अब इस एन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, एन की इंटू 15 से करेंगे 15 एन, माइनस एन की 14 से करेंगे तो 14 एन, माइनस के 210 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों इनमें से आपको क्या लेना है, कॉमन, इन दो स्टेप में से आप क्या लेंगे यहाँ पर, कॉमन। तो कॉमन कैसे निकालना आपको, जैसे कि एक स्टेप आपके पास लिखा हुआ एन स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन लिख सकते हैं, दूसरा आपके पास में कितना है 15n, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 3 5 जा 15 इंटू में n। तो देखिए दोनों में सेम चीज़ क्या है, तो इसके पास भी n है दोस्तों, इसके पास भी क्या n, तो n n आपने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन। जैसे आप इसमें से n कॉमन लेंगे तो यहाँ एक n बचा, तो आपने यहाँ पे एक n लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस इसमें से आपने n कॉमन निकाले कितना बचा 3 और 5, 3 इंटू 5 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 15। अभी देखिए एक आपके पास दोस्तों है माइनस के 14n, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस 14 इंटू, इसलिए माइनस छोड़ दें भी आप, 14 इंटू एन ऐसे लिख सकते हैं आप। दूसरा कितना आपके पास में 210, इसका ही माइनस छोड़ देगा आप, भूल जाएं भी आप, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू में
15। अभी देखिए इनमें क्या चीज सेम है आपकी, तो देखिए 14 दोस्तों इसके पास है, 14 आपका इसके पास भी है, और जैसे कि हम माइनस, तो आप यहाँ माइनस अब लगा लें, ठीक है। तो दोनों में क्या चीज सेम है आपका, -14। तो यहाँ से आपने -14 जब दोस्तों कॉमन लिया, तो आपके पास यहाँ केवल क्या बचा, एन। तो यहाँ आपने एन लिखा, और देखिए जब आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो केवल प्लस वाला स्टेप बचा, तो प्लस में आप यहाँ कितना लिखेंगे दोस्तों, 15 इक्वल टू 0। अगर ब्रैकेट वाले दोनों स्टेप आपके सेम आते हैं, अगर ब्रैकेट वाले आपके दोनों स्टेप सेम आते हैं, तो आपका सवाल बिल्कुल सही है, वरना सवाल आपका गलत है। तो आपने यहाँ से इनमें से कॉमन ले लिया, तो एन प्लस 15 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा आपके पास, एन बचा, और यहाँ कितना बचा, -14 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी दोस्तों 0 के इक्वल है, ये भी आपका 0 के इक्वल है, तो एक एक करके हम दोनों को 0 के क्या लेंगे, इक्वल। तो देखिए एन प्लस 15 को आपने किसके इक्वल लिया, 0 के इक्वल। तो जैसे प्लस 15 को आप इधर लेकर जाएंगे, तो एन की वैल्यू आपके पास यहाँ कितना है, माइनस के 15। नेक्स्ट आपके पास कितना, एन -14 इक्वल टू 0। -14 को आप इधर लेकर आएंगे, तो एन बराबर 14। अब आप जानते हैं दोस्तों एपी के अंदर जो टर्म्स होती हैं, जो नंबर होते हैं, कभी जीरो में तो होते नहीं है, सॉरी माइनस में तो होते नहीं है आपके, यानी एपी के अंदर जो टर्म्स होते हैं दोस्तों आपके, निगेटिव तो हो नहीं सकती है आपकी, तो इसलिए हम कहेंगे ये आंसर तो आपका नहीं हो सकता, तो ये आंसर आपका हो सकता है। तो इसलिए आपके पास जो नंबर होंगे, वो नंबर कितने होंगे, 14 टर्म्स होंगे, यानी एन की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 14। जब आप 14 टर्म्स को प्लस करेंगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 210 आपका आ जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन आपके पास है, दिखाई दे रहा है आपको कि इन फिगर पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी बी इक्वल टू एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर, पी सी बराबर एक्स प्लस 5 सेंटीमीटर एंड पी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी दोस्तों आपको पता है कि ए पी आपको पता है, सी बी पता है, पी डी पता है, और आपको पी बी पता है, बस आपको यहाँ से जो एक्स है इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए गीवन डाटा जो जो पता वो आपने यहाँ लिख लिया। गीवन चीजें दोस्तों क्या थी आपके पास, सर पी ए पता था, पी बी पता है, पी सी पता, और आपको पी डी भी पता है। अब हम जानते हैं कि ये जो दोनों आपकी जो दो कोड हैं, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट का नाम है आपका पी, उस पॉइंट का नाम क्या आपका पी। तो ये जो पूरी एक कोड है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक का नाम क्या हो गया पी ए, दूसरे का नाम क्या हो गया पी बी। अगर दोनों इस पी ए इंटू करें पी बी, और सेकेंड कोड क्या आपकी दोस्तों सी पी और आपकी सी डी, अगर इन दोनों की इंटू करें, दोनों को इक्वल लग रहे, तो आंसर क्या आता है आपका, इक्वल आ जाता है। जैसे कि देखिए एक ये कोड थी आपकी, जिस एक कोड थी आपकी ए बी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक का नाम है ए पी, दूसरे का नाम क्या आपका पी बी। सेकेंड कोड है दोस्तों आपकी, इसका नाम क्या है पी सी, और आपकी पी डी। अब देखिए दोनों के इंटू करिए क्या लिख दिया हमने, इक्वल में, तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, फिर इक्वल आता है। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, एक्स की। तो देखिए ए पी, ए बी पता है कितना है 4, इंटू में पी बी, पी बी कितना एक्स प्लस 3 इक्वल टू पी सी, पी सी कितना एक्स प्लस 5, और पी डी कितना आपके पास में 3। 4 की इंटू एक्स करेंगे 4x प्लस 4 की इंटू 3 से करेंगे 12 इक्वल टू 3 की इंटू एक्स करेंगे 3x प्लस 3 की 5 से करेंगे 15। तो 4x दोस्तों आपने ऐसे लिख लिया, प्लस 3x को आप लाएंगे तो माइनस के 3x बराबर 15, प्लस 12 को लेकर जाएंगे तो माइनस के 12, 4x में से 3x के तो कितने बचे x बचे, बराबर 15 में से 12 गए तो दोस्तों कितने बचे आपके पास में 3, यानी यहाँ जो दोस्तों आपकी x की वैल्यू होने वाली है वो कितनी होगी आपके पास में 3 होगी। तो जो भी क्वेश्चंस में अगर आपके कोई छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वैसे आई होप कि ये वीडियो जो भी आपके डाउट्स होंगे उन सभी को क्लियर करा देगी। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए एक से अच्छी अच्छी इस तरह की वीडियो बनाते रहें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर डी ई पैरेलल बी सी, यानी दोस्तों ये जो आपका डी ई है, ये किसके पैरेलल है आपका, बी सी के, यानी डी ई पैरेलल है हमारा बी सी के। चलिए ए ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी ए से लेकर ई तक की वैल्यू जो है आपके पास ये वाली कितनी है 4 सेंटीमीटर, और बी डी, बी से लेकर डी तक की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपके पास में 4.5 सेंटीमीटर, और ए डी कितना आपके पास में 3 सेंटीमीटर। और आपको क्या बताना है दोस्तों यहाँ पर, सी यानी ई सी बताना है, यानी ए के ट्राइंगल है दोस्तों, उसके अंदर आपको पता है कि डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। तो मैं आपको बता दूँ एक थ्योरम हमारी दोस्तों, थेल्स थ्योरम, जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं बीपीटी। तो वो ये कहती है कि कोई भी एक ट्रायंगल है आपके पास, जैसे कि मैं आपको यहाँ रफली बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल का कुछ भी एक नाम मान लिया आपने ए बी और सी। अब इन दोनों लाइनों के मिड पॉइंट, जैसे कि एक पॉइंट दोस्तों यहाँ हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, इन दो पॉइंटों के नाम हमने यहाँ मान लिए डी और आपका ई, ठीक। अभी इन दोनों पॉइंटों को आपने जॉइंट किया, तो अगर ये डी ई
इसके पैरेलल होती है अगर बी सी के, यानी अगर हम ये कह दें कि सर डी ई समांतर यानी पैरेलल है आपका बी सी के, तो आप कह सकते हैं कि इस साइड का जो रेशियो होगा, इस साइड के रेशियो के क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। यानी इस साइड का रेशियो की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये कौन सी थ्योरम कहती है दोस्तों, आपकी बी पी टी यानी थेल्स थ्योरम। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम की भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कि आपको पता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर डी ई पैरेलल है हमारा बी सी के, ठीक। अगर ये इसके पैरेलल यानी समांतर है तो हम कह सकते हैं ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी बाय बी पी टी थ्योरम। अब देखिए ए डी, तो ए डी की तो दोस्तों वैल्यू आपको पता है कितनी है, थ्री से थ्री, और अपॉन में क्या है डी बी। तो देखिए डी से लेकर बी तक की वैल्यू आपको पता है कितनी है आपके पास में, 4.5 इक्वल टू ए ई, ये कितना आपके पास 4, और निकालना क्या था दोस्तों आपको ई सी। थ्री आपने सेम दिखा, ये डिवाइड में तो ऊपर कहाँ जाएगा इंटू में, तो थ्री इंटू में ई सी बराबर 4 आपका सेम, ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ठीक है। थ्री इंटू ई सी दोस्तों आपने सेम दिखा, अगर आप 4.5 के इंटू करते हैं 4 से तो आंसर आएगा 18.0। 0.0 को अपने पास से हटा सकते हैं तो केवल कितना बचेगा 18, और 3 इंटू में तो नीचे का आएगा आपका डिवाइड में, 3 से 18 को डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा आपका 6। यानी दोस्तों ये जो ई सी होगा ये कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए कितना आसान था निकालना, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब किसी भी ट्रायंगल में डी ई पैरेलल है बी सी, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, तो उनकी साइडों का जो रेशियो होगा वो आपका इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपके पास चार वैल्यूज होती हैं, चार में से तीन आपको पता होंगी, कोई सी भी एक वैल्यू आपको बतानी होगी। या फिर दोस्तों एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको चारों साइडें पता हो और आपसे पूछे कि डी ई बताओ पैरेलल बी सी का है, यानी अगर इनकी साइडों का रेशियो इक्वल आता है तो आप कह सकते हैं फिर डी ई किसके समांतर होगा आपका बी सी के समांतर होगा, यानी डी ई पैरेलल बी सी। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन 8 आपका कंप्लीट हो चुका है, और क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से आ चुका है, इफ कोस थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड कोट थीटा। यदि कोस थीटा की एक वैल्यू आपको दे रखी है, जो वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में 25 है, तो दोस्तों आपको कोसेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू बतानी होगी। तो देखिए कोस थीटा आपको पता है और बताना क्या है कोसेक थीटा और कोट थीटा। दोस्तों ये जो कोस थीटा है इसको आप कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए आप याद कर सकते हैं ये चीज़ें, मैं आपको यहाँ लिखवा दूँ, पी बी पी यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पहला दोस्तों आपका होता है ये साइन थीटा, सेकंड होता है आपका कोस थीटा, थर्ड आपका होता है यहाँ पर ये टेन थीटा, ठीक। इंग्लिश वाले बच्चे याद कर सकते हैं एक तरीके से कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों आपकी, तो आंसर आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम ऐसे हिंदी वाले बच्चे कैसे याद करेंगे, लाल कक्का कैसे याद करेंगे, वैसे लाल कक्का। तो देखिए पहला वाला आपका जानते हैं सेम वही होगा साइन थीटा होगा, सेकंड आपका दोस्तों क्या होगा कोस थीटा, और थर्ड होगा आपका यहाँ पर टेन थीटा। तो साइन की वैल्यू लंबर टेक कर, इंग्लिश में कहते हैं उसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस हिंदी में होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन आपका लंबर टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये दोस्तों आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। हिंदी में बात करें दोस्तों तो ये आपका कर्ण होता है, ठीक, ये आपका आधार यानी ए, और ये आपका लंब यानी एल। अब देखिए आपको पता है कोस थीटा, तो कोस थीटा को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने लिखा बी अपॉन एच यानी बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस, हिंदी में बात करें ए फॉर आधार, के फॉर आपका कर्ण, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास में 7 अपॉन में 25। तो दोस्तों ये मैंने किस लिए लिखा, ताकि आपको ये पता हो कि कोस थीटा की जो वैल्यू है 7 अपॉन में 25, इसमें आपका बेस कौन सा है और आपका हाइपोटेनियस कौन सा। अब देखिए बेस के सामने कितना आपका 7, तो बेस आपका नीचे होता है, तो यहाँ वैल्यू आपने कितनी लिया है 7,
ये हाइपोटेनस यानी कर्ण है उसके सामने कितना 25, तो हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना लेंगे आप 25। अब इस ट्राइंगल के अंदर आपको दो वैल्यू पता है, तीसरी वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्राइंगल लिया आपने ए बी सी, इसके अंदर आपने थ्योरम लगा दी अपनी पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनियस दोस्तों कितना 25, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पता नहीं है आपको, तो ये कितना है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है आपके पास 7, तो दोस्तों 7 का स्क्वायर 25 का अगर आपको स्क्वायर निकालना, तो आप 25 × 25 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 625 इक्वल टू ए बी, तो पता नहीं आपको, तो ये आपका सेम प्लस 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 49। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है तो इस 49 को उठाकर आप इधर लेकर आ जाएं, तो 625 आपका सेम 49 प्लस के हैं तो आपके बन जाएंगे माइनस के 49 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। दोनों का आपस में सोल्व किया नहीं, सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना 576। यहाँ से दोस्तों हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा आपका रूट, और 576 का रूट दोस्तों कितना होता है, तो आपका आंसर 24। किसका होता है आपका 24 का होता है, यानी ये वैल्यू दोस्तों अब आपके पास कितनी आ चुकी है 24। अब देखिए आपको दो वैल्यू बतानी थी, एक थी आपकी कोसेक थीटा, तो कोसेक दोस्तों साइन का अपोजिट होती है, क्या होती है साइन का यानी अपोजिट होती है कोसेक। देखिए अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक का फॉर्मूला होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कोसेक इसका क्या होता है अपोजिट, तो कोसेक में आता है आपका कर्ण बटे में लंब, तो ये हमने यहाँ लिखा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे में लंब। तो देखिए कर्ण हमारे पास कितना है, यानी हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 25, और देखिए आपके पास लंब यानी परपेंडिकुलर कितना निकाला अभी आपने, तो आंसर आपका 24। तो हम कहेंगे दोस्तों कोसेक थीटा आपके पास कितना होगा 25 अपॉन में 24 होगा। नेक्स्ट आपके पास में कोट थीटा, तो टेन का अपोजिट होता है दोस्तों आपका कोट, क्या होता है आपका कोट थीटा, तो इसमें नीचे से वैल्यू देखेंगे अब आप, क्योंकि नीचे लिखा है मैंने, तो आधार बटे लंब यानी हम बात करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे में लंब, तो आधार कितना है दोस्तों आपका 7 और लंब आपके पास ये कितना है आपके पास में 24। तो देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 25 अपॉन में 24, और दोस्तों कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7 अपॉन में 24। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन 9 भी अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 में आपका दोस्तों स्टेटिक्स आया यानी सांख्यिकी से, और इसमें हम बात करेंगे बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ देखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है कि क्लास यानी कक्षा है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, 9th क्लास और आपकी 10th क्लास है। इसमें जो आपके प्रेजेंट स्टूडेंट्स यानी जो बच्चे उपस्थित हैं क्लास में कितने हैं, 7th क्लास में 45 हैं, 8th क्लास में 35 हैं, 9th क्लास में 40 हैं, 10th क्लास में आपके 50 हैं। अब आपको इन्हें ग्राफ पे बना के दिखाना है, ग्राफ पे आप क्या करेंगे शो। देखिए सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे एक एल वाली लाइन बनाई, यानी एक वाई एक्सिस लिया आपकी और एक क्या लिया आपकी एक्स एक्सिस। वाई पर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे प्रेजेंट वाले, और एक्स एक्सिस पर लेंगे आप क्लास यानी कक्षा लेंगे। तो चार कक्षाएं इसमें आपके पास है, देखिए आपके पास है 45 नंबर है, 35, 40 और 50, तो यानी इनके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं आप, पाँच पाँच का डिफरेंस है, वो तो हमें डिपेंड नहीं करता। तो हमने क्या काम किया, एक टेबल बनाई अपनी ये, जिसमें हमने डिफरेंस कितना लिया दोस्तों है? पाँच पाँच का, स्टार्टिंग कहाँ से करी हमने इसकी 5, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक। आप 50 से कम नहीं ले सकते, 50 से ज़्यादा भी कर सकते हैं चाहे तो, इसको आप यहाँ 55 और 60 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम आपका नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों 45 के सामने क्लास 7 है, तो यानी क्लास 7 का जो ग्राफ जाएगा आपका 45 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा आपका देखना, 45 तक क्या बनाया हमने आपका क्लास 7 का ग्राफ बनाया, ये होता है दोस्तों आपका बार ग्राफ, ठीक है ना, दंड आलेख। जो आयचित्र होता है हिस्टोग्राम, वो आपका बिल्कुल मिलकर बनता है, उसमें ये गैप आपका नहीं होता, लेकिन बार ग्राफ में आपका गैप होता है। अब देखिए 8 क्लास का ग्राफ कहाँ तक गया आपका, 35 तक, तो 8 का कहाँ तक लेकर जाएंगे आप, 35 तक लेकर जाएंगे, ठीक है। 9th का दोस्तों कहाँ तक आपका, 40, तो 40 तक हमने किसका बनाया आपका, 9th क्लास का। और 10th का कहाँ तक जाएगा दोस्तों आपका, 50, तो 50 लगभग यहाँ है आपका, तो 50 तक यहाँ तक जाएगा आपका। तो ये ग्राफ इसमें दोस्तों आपको बना के दिखाना था, बस ध्यान के रखना है कि जो हमारे पास एक क्लास इंटरवल है, यानी जो क्लास की यहाँ बात हो रही है वो आप एक्स एक्सिस पर लेंगे, और जो स्टूडेंट्स की बात हो रही है वो आप कहाँ लेंगे दोस्तों, आपके वाई एक्सिस पर लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये बीच का जो इनका डिस्टेंस है हमेशा इक्वल होना चाहिए, आप स्केल से नाप कर बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट, तो आपकी फिर इसमें कोई गलतियाँ नहीं होंगी। तो इसी के साथ ही दोस्तों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, एक एपी है आपके पास, और एपी आपके पास में क्या है, 2, 7, 12, 17,
के प्रथम 10 पदों का योग, यानी अगर एक एपी है उसके अगर हम 10 संख्याओं को प्लस करें, वो संख्या कौन कौन सी है दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट कितनी है 2 है, और सेकंड कितनी है दोस्तों आपके पास 7 है, और थर्ड कितनी है आपके पास में 12, और फोर्थ कितनी है 17। ऐसे अगर आप 10 टर्म्स को प्लस करें तो आपका आंसर क्या आएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म दोस्तों कितनी होगी आपके पास यहाँ पर, ए होगी। इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आपके पास में आपको डी निकालना है दोस्तों, तो डी कैसे निकालते हैं आप, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो सेकंड यानी ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है दोस्तों 7, माइनस ए वन कितना है 2, 7 में से 2 गए 5। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ए भी पता और आपको यहाँ पर टी भी पता है। अब देखिए आपको ये पता है कि कितने नंबर्स को प्लस करना, तो आपका आंसर यहाँ पर 10, यानी 10 संख्याओं को हम क्या करेंगे यहाँ प्लस करेंगे, तो उनका सम क्या होगा इस बार ये आपको बताना है। इससे पहले क्वेश्चंस किया था दोस्तों उसमें आपको सम पता था लेकिन आपको क्या निकालने थे नंबर्स, और आपको इस बार नंबर पता है, आपको क्या निकालना है उनका सम निकालना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब आप जानते हैं एपी का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास में, तो आपका आंसर है दोस्तों एस एन बराबर एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2 ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू में डी। ये होता है हमारा एपी के सम निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए एस एन कितना है 10, यानी हम सम निकालने कितने नंबर्स का निकालने 10 टर्म्स का, यानी 10 पदों का योग। इक्वल टू एन कितना है दोस्तों 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 ए कितना है आपके पास में 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 और डी कितना है दोस्तों आपके पास में 5। 2 से हमने 10 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया आपके पास 5, ब्रैकेट में 2 के इंटू 2 से करेंगे 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 इंटू में आपका 5। अब आइए इधर आप, तो एस 10 दोस्तों आपका सेम इक्वल टू 5, 4 आपका सेम प्लस 9 के इंटू जैसे आप 5 से करेंगे तो आंसर कितना है 45, दोनों को ऐड किया 49 इंटू करेंगे तो 245। यानी उन 10 टर्म्स का जो सम होगा दोस्तों आपका वो कितना होगा आपके पास में, तो वो होगा आपका 245 होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट्स का इस वीडियो से आपका बेनिफिट हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 8, 2, 0 एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 7, -12। यानी दोस्तों ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 2, 0, ये पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है आपका, एक पॉइंट है आपका ए, और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक है वो कितने 7, -12। तो हमें इस सर्कल का दोस्तों क्या बताना है आपको, डायमीटर बताना है। अब आप जानते हैं ये एक सर्कल की रेडियस है, ये एक सर्कल की क्या है दोस्तों आपकी रेडियस भी है, क्योंकि आप जानते हैं सेंटर से स्टार्ट हो रही है और सर्कल को इस पॉइंट पर क्या कर रही है टच, तो ये इसकी क्या है रेडियस, लेकिन आपको बताना है इसका डायमीटर। यानी आपको कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लो ये आपका एक सर्कल है दोस्तों वो, ठीक, ये आपका पॉइंट ओ है, ये पॉइंट आपका ए है। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, अगर मुझे ये रेडियस पता चल जाए, ये वाली रेडियस मुझे पता चल जाए, मान लो ये रेडियस सपोज करो कितनी है 2 आ जाए, यानी ओ से लेगा ए तक की डिस्टेंस, तो देखिए डिस्टेंस की अगर बात हो रही है तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये, काफी क्वेश्चन के ऊपर पूछ ले जाते हैं। तो मुझे इसका क्या बताना, डायमीटर, तो हम जानते हैं रेडियस का ट्वाइस क्या होता है डायमीटर, ये 2 तो ये भी इधर कितना होगा आपका 2 होगा, क्योंकि सेम सर्कल की रेडियस सेम होती है आपकी, तो अगर ओ ए रेडियस है तो ओ बी भी क्या होगी रेडियस, तो हमें तो डायमीटर बताना है, तो 2 और 2 कितना हो जाएंगे 4, यानी दोस्तों हम कहेंगे डायमीटर क्या होती है आपकी रेडियस की ट्वाइस होती है। अगर मान लो आपका आंसर यहाँ पर रेडियस सपोज करो कितनी आ जाए 4 आ जाए, तो डायमीटर वहाँ कितना हो जाएगा 2 × 4 से करेंगे तो डायमीटर कितना होगा फिर आपका 8 होगा। तो पहले तो हमें इसकी रेडियस निकालनी होगी दोस्तों, यानी ओ ए आपको निकालना होगा, ओ से लेकर क्या निकालनी है आपको ए तक की डिस्टेंस। देखिए ओ के कोऑर्डिनेट आपको देखें 2, 0 और ए के कोऑर्डिनेट है 7, -12, तो हम ओ से क्या लेंगे अपने x1 y1, तो दोस्तों x1 कितना आपके पास 2, y1 कितना आपके पास 0, x2 कितना है 7, y2 कितना आपके पास -12। अब आपको इनके बीच ही क्या निकालनी होगी दोस्तों डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है ओ ए इक्वल टू रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओ ए आपको निकालना है इक्वल ऐसी दिखा आपने सेम रूट में आपका सेम ब्रैकेट x2 कितना दोस्तों 7 - x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -12 - y1 कितना आपके पास 0, 7 में से 2 के तो कितने बचे 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस -12 में से -0 करेंगे तो माइनस के 12 ही बचेंगे आपके, तो -12 का स्क्वायर आपका सेम 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है आपका 25 होता है, प्लस -12 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप जानते हैं जब माइनस का भी आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपका प्लस में ही आएगा, दोनों को प्लस किया तो आंसर कितना आएगा 169। अब आपको इसका क्या निकालना है दोस्तों रूट, तो 169 का जो रूट होता है दोस्तों वो कितना होता है आपके पास में 13, तो यानी यहाँ जो हमारे पास ये ओ ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13, यानी इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की जो आपके पास रेडियस आ चुकी है दोस्तों वो कितनी आ चुकी है
सेंटी 13 चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है। तो आप जानते हैं रेडियस का ट्वाइस क्या होता है, डायमीटर होता है। तो आप रेडियस में किससे इंटू करेंगे, टू से। तो 13 2 सा कितना होता है, 26। यानी अगर इस सर्कल की रेडियस 13 होगी तो डायमीटर कितना होगा आपके पास, 26 होगा। और ये दोस्तों ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, यानी परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यानी पेपर के लिए 2 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आई होप कि आपको वो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव डेट सिद्ध कीजिए, यानी ट्रिग्नोमेट्री से आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन आपका, कि रूट में 1 प्लस cos थीटा / 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होगा, cosec a प्लस cot a के। चलिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दोस्तों ये होने वाली है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, रूट में 1 प्लस cos a / 1 माइनस cos a। अब देखिए हमें इसे सोल्व करना है। अगर रूट में जो संख्या होती है तो हम सीख चुके हैं उसका रैशनलाइज, यानी परिमेयकरण। और दोस्तों रैशनलाइज यानी परिमेयकरण होता क्या है, कि जो संख्या रूट में अपॉन में आपके पास होती है उसी के हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन जो बीच वाला ये साइन होगा वो क्या करेंगे, आप चेंज कराएंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ कितना है, रूट में 1 प्लस cos a / 1 माइनस cos a। तो देखिए 1 माइनस cos a ना अपॉन में, तो इसके ऊपर नीचे इंटू करेंगे, लेकिन बीच वाला साइन क्या करेंगे, चेंज। माइनस के लिए हम क्या लेंगे, प्लस। यानी ऑन मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट में 1 प्लस cos a। यानी दोस्तों 1 प्लस cos a से अंश और हर में हम क्या करेंगे, गुणा यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या है, रूट में 1 प्लस cos a / 1 माइनस cos a। तो इसमें किससे इंटू करें, 1 प्लस cos a / 1 प्लस cos a, यानी ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। अब आप जानते हैं जब दो संख्या इंटू में एक जैसी होती है, जब दो संख्या आपकी इंटू में, जैसे कि मान लो दोस्तों एक्स इंटू एक्स है, तो आप उसको कह सकते हैं दोस्तों एक्स का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ लिख दूँ रूट टू इंटू में रूट टू, तो आप उसको कहेंगे यहाँ पर रूट टू का स्क्वायर। तो देखिए रूट में 1 प्लस cos a, रूट में 1 प्लस cos a, तो हम कह सकते हैं रूट 1 प्लस cos a का क्या हो गया दोस्तों, आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता है a - b और आपका a + b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर। और a की वैल्यू है दोस्तों कितनी आपके पास में, 1, और b की वैल्यू कितनी आपके पास में, cos a है। तो a का स्क्वायर, a कितना है, 1, तो रूट में रूट का रूट आपका सेम आएगा, ठीक है ना, रूट का कोई मैटर नहीं इसमें भी, रूट आपका सेम। देखिए a का स्क्वायर, a कितना है, 1 दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना, cos a, तो cos a का स्क्वायर। इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो ऊपर केवल कितना बचा आपके पास में, तो 1 प्लस cos a बचा आपके पास में। अब आ जाए आप अपॉन में, 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 1 माइनस cos a का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, cos स्क्वायर a, ठीक है। 1 प्लस cos a आपका सेम, 1 माइनस cos स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a। कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है दोस्तों, आपका 1 के इक्वल। अगर मैं cos a को इधर ले जाऊं तो एक फॉर्मूला आपका दूसरा बन जाता है कि साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होगा, फिर आपका 1 माइनस, जैसे प्लस cos स्क्वायर a को आप इधर लाएंगे तो माइनस के cos स्क्वायर a बन जाएगा आपका। तो हम कह सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, आपका साइन स्क्वायर a के। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर a है आपके पास सेम ये रहा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a, स्क्वायर से इसका भी रूट भी कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा, 1 प्लस cos a, और अपॉन में कितना बचा आपके पास, साइन a। अब देखिए आप ये भी जानते हैं, अगर आपके पास कोई ये संख्या 1/3 + 4/3, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को ऐड कर लेते हैं, यानी अगर दोनों के हर बराबर हों तो उनको जो उनके अंश होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी प्लस कर लेते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4 / 3, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों आप। चलिए तो मेरे पास अब ये लिखा, उसको आप इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी ये जो साइन है ये आपका 1 के अपॉन में भी होगा, साथ में आपका कोस के अपॉन में भी होगा। तो 1/sin का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका, कोसेक ए प्लस कोस ए साइन ए का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, कोट, में आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ एक। तो देखिए आपको ये तो आंसर लाके दिखाना था, कोसेक ए प्लस कोटे लाके दिखाना था आपको, तो ये आपका आंसर आ चुका है, कोसेक ए प्लस कोटे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द डाटा, एक डाटा आपको दिया गया जो यहाँ आपके पास लिखा, और इन सभी का जो एक मीडियन है आपके पास में वो क्या आपके पास 24। और ये क्वेश्चन में दोस्तों आपके पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मीडियन निकाला था लेकिन वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में नहीं थे, वो हमने लगाए थे, लेकिन ये पहले से आपके असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं जैसे कि 11 है, फिर 12, 14, 18, यानी संख्या पहले से आपके आरोह
ही क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। और ये दोस्तों कितनी संख्या है? टोटल 10 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एन बराबर कितना आपके पास में? 10। अब इनका जो मीडियन, पहले से आपको क्वेश्चंस में पता है कि इनका मीडियन कितना आपके पास में? 24 है, यानी इनका जो माध्य का दोस्तों वो कितना आपके पास में? 24। अब देखिए, अगर ये जो एन है ये कैसा आपका एक इवन नंबर है, एन कैसा है दोस्तों आपका एक इवन नंबर। और इवन नंबर यानी कैसी होती है? हमारी सम संख्या होती है। तो सम संख्या का जो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है दोस्तों एन अपॉन टू टर्म्स प्लस एन अपॉन टू प्लस वन टर्म्स अपॉन में टू। तो देखिए एन, तो एन की वैल्यू दोस्तों अब आपको पता है और आपको माध्यक पता है। माध्यक हमारे पास कितना है? 24। तो आपने यहाँ कितना लिखा? 24 लिखा, ठीक है ना। ये टू डिवाइड में था तो ऊपर कहाँ गया हमारा? मल्टीप्लाई में। इक्वल टू एन, एन कितना आपके पास में? 10 अपॉन में टू ऊपर टर्म्स यानी ऑब्जर्वेशन, प्लस एन, एन कितना? 10 अपॉन में टू प्लस वन ऊपर टर्म्स। 24 की 2 से इंटू करेंगे 48, बराबर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टर्म्स आ गई, प्लस 10 को 2 से डिवाइड किया कितने बचे? 5, 5 में 1 प्लस किया तो 6 टर्म्स, 48 आपका सेम। अब देखिए 5 टर्म्स कौन सी होगी दोस्तों, यानी पांचवा ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा? ये पहला है आपका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो पांचवा ऑब्जर्वेशन कितना आपके पास में? एक्स प्लस टू। प्लस छठा ऑब्जर्वेशन कितना होगा आपके पास में? तो आपका आंसर है एक्स प्लस फोर। दोनों आपने यहाँ लिख लिए, 48 आपका सेम, बराबर एक्स, और एक्स को आप प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2x। प्लस 2 और 4 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। 48 दोस्तों आपका सेम, प्लस 6 को लाएंगे तो माइनस के 6, बराबर 2x। 48 में 6 के तो कितने बचे? 42, बराबर के 2x। अब देखिए 2 आपका क्या दोस्तों है? मल्टीप्लाई में, नीचे कहाँ का डिवाइड में, 2 से 42 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा? 21। यानी यहाँ जो x की वैल्यू दोस्तों आपके पास होगी वो कितनी होगी? 21 होगी। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:2 एंड इट्स पेरीमीटर इज 98 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन बाउंडेड बाय द रेक्टेंगल। यानी दोस्तों एक आयत है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है आपको पता तो है, लेकिन किस में पता है आपको? रेशियो यानी अनुपात में पता है, लेकिन आपको उसका क्या पता है? परिमाप कितना है? 98 सेंटीमीटर। तो आयत का आपको क्या निकालना है? यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इन रेशियो को हटा के यहाँ पर हम कुछ अपने पास एक अल्फाबेट मान लेते हैं, तो उस अल्फाबेट को आपने माना यहाँ पर x। तो इसकी जो लंबाई होगी यानी जो लेंथ होगी हमने कितनी मान ली यहाँ पर? 5x मान ली। चौड़ाई कितनी होगी हमारे पास में? 2x। और परिमाप हमारे पास कितना है इसका? 98 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं दोस्तों जो परिमाप होते हैं रेक्टेंगल, उसका जो पेरीमीटर होता है यानी परिमाप, उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ये फॉर्मूला हो गया आपको, पेरीमीटर आपके पास में कितना? 98। 2 आपका सेम लेंथ यानी l कितना हमारे पास में, तो आंसर आपका 5x। और b कितना आपके पास में दोस्तों यहाँ पर? नहीं, ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी है? 2x, बराबर 98। 2 इंटू में नीचे गएगा आपका डिवाइड में, 5x प्लस 2x कितने होते हैं? 7x होते हैं आपके पास में, बराबर 98 अपॉन में 2। 98 को आपने 2 से डिवाइड किया कितना आ गया आपके पास में? 49। 7 इंटू में तो नीचे गएगा आपका डिवाइड में, 7 से आपने 49 को डिवाइड किया तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई आपके पास में? 7 आ गई। अब देखिए इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ को आपने यहाँ क्या माना हुआ था दोस्तों? 5x माना हुआ था। क्या माना हुआ था आपने यहाँ पर? 5x। तो 5 आपका सेम, इंटू में x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7। तो जैसे आप 5 के इंटू 7 से करेंगे आंसर कितना आएगा आपका? 35 आ जाएगा। और अब आपको निकालने आयत की चौड़ाई, तो आपको ने उसको माना था 2x। क्या माना था आपने उसको? 2x। तो 2 आपका सेम, इंटू में x की वैल्यू कितनी है? 7। इंटू करेंगे दोस्तों आपका आंसर कितना आएगा? 14। तो यानी उस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी आपके पास? लंबाई कितनी होगी? 35 होगी। चौड़ाई कितनी होगी? 14 होगी। जिसका पेरीमीटर कितना था आपके पास में? 98 सेंटीमीटर था। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में होंगे। कोई भी आपका डाउट्स होता है कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।